हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, IDVI एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट जारी हो चुका है, जिसका एग्जाम 30 दिसंबर 2023 को हुआ था। मैंने अपना रिजल्ट चेक कर लिया है और इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को अपना लाइव रिजल्ट एंड स्कोर कार्ड दिखाने वाला हूं। साथ ही मैं बताऊंगा कि अलग अलग सेक्शन वाइज मेरे अटेम्प्ट कितने थे और फाइनल मार्क्स कितने बने हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन सभी का DV कब तक होगा और कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए DV के लिए, ये सारी चीजें इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइस, सबसे पहले तो आप देख लो, मैंने अप्लाई किया था EWS कैटेगरी से और EWS का कट ऑफ जो है यहाँ पर है वो कितना गया है, 104 नंबर। इसके अलावा मेरा जो सिलेक्शन है UR से हुआ है, क्योंकि मेरा जो कट ऑफ से लगभग 15 नंबर ज़्यादा है। यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले तो मेरे सेक्शन वाइज कितना मार्क्स गया है, ये रहा मेरा रिजल्ट। नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर देख सकते हो, और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ आएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन आगे के प्रोसेस के लिए हो गया है, यानी कि DV वगैरह के लिए, और नीचे आपके एग्जाम डेट मेंशन किए गए हैं। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर मेरे अटेम्प्ट की एंड उसमें रिस्पेक्टिव मार्क्स की। तो सबसे पहले तो मेरे रीजनिंग में टोटल 51 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए थे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन करेक्ट रहा है, तो 51 मार्क्स बन रहे हैं रीजनिंग में। फिर इसके बाद क्वांट में मैंने टोटल 31 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया था, जिसमें से एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो चुका है, तो एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ वो, और प्लस इसका निगेटिव का 0.25 कटने के बाद मार्क्स बने यहाँ पर 29.75। इंग्लिश में मेरा अटेम्प्ट फुल था, यहाँ पर टोटल 40 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट लिए थे और मेरे ख्याल से मेरे यहाँ पर 8 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, तो इसका 2 क्वेश्चन और निगेटिव में जाएगा। तो इस प्रकार से 10 नंबर कटने के बाद 30 मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं। और जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेरे अटेम्प्ट लगभग 30 से 32 के आसपास थी, तो इसमें भी मेरे 8-9 क्वेश्चन गलत हुए हैं और इसके जो मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट हुए हैं, डिडक्ट होने के बाद 20.75 बन रहे हैं, यानी कि ओवरऑल जो मेरे मार्क्स बने हैं वो है 131.5। लास्ट टाइम मैंने एग्जीक्यूटिव का पेपर दिया था तो 115.5 मेरे मार्क्स बने थे, इस बार 131.5 है। लास्ट टाइम मैं वेटिंग लिस्ट में था और इस बार मेरा इसमें फाइनल सिलेक्शन हो गया है। हालांकि मैं इसे ज्वाइन अब नहीं करूंगा, क्योंकि इसके बाद मैंने RRB का जो रिजल्ट था उसमें भी सिलेक्शन हो चुका है और RRB PO ज्वाइन करने जा रहा हूं, तो IDVI JM का भी मैंने छोड़ दिया है, IDVI एग्जीक्यूटिव का भी मैं यहाँ पर स्किप करने वाला हूं। दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे कि जिन लोगों का फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, यानी कि अगर आप वेटिंग लिस्ट में हो, तो कितने कट ऑफ वाले कैंडिडेट को बाद में कॉल किया जाएगा, प्लस आपके DV से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो इसके रिगार्डिंग मैं अभी तुरंत एक और वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट का लिस्ट बता दूंगा, प्लस साथ ही में लास्ट टाइम जब आपका रिजल्ट आया था तो कितने वेटिंग वाले कैंडिडेट को बुलाया गया था, यानी कि बाद में जो वेटिंग वाला कट ऑफ है वो कितना डाउन जाता है, वो सारी चीज़ें दिखा दूंगा। तो एक बार आप लोगों की कमेंट करके अपना रिजल्ट बता देना कि आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ है और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, साथ ही में दोस्तों आपके सेक्शन वाइज अटेम्प्ट कितने थे।